हेलो माय टू फैमिली। सो जैसे रिक्वेस्ट आई थी कि घर में वेट गेन करना है, इक्विपमेंट्स नहीं है, तो कुछ ऐसी चीजें जो घर में अवेलेबल हो उससे हम लोग अच्छे से वेट गेन कर सके। तो गाइस, आइसोलेट एक्सरसाइज से इतनी वेट गेन नहीं होता है, तो जब तक आप कंपाउंड मूवमेंट्स नहीं करोगे एकदम से वेट गेन नहीं होगा। सो हम लोग आपके लिए आप घर में ही दो ऐसे कंपाउंड मूव्स कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी वेट गेन जर्नी में। जब तक लॉकडाउन है, जिम नहीं जा सकते, घर में इस वर्कआउट को करें। बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है और एवरीडे करना है। और उस वर्कआउट के साथ जो मैं आपको आज बताऊंगा, उसके साथ वो वर्कआउट जो मैंने एपिसोड बनाए ऑलरेडी, वो आप एक साथ कर सकते हो। बट ये जो दो एक्सरसाइज बता रहा हूं मैं आपको, आपको डेली करनी है। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि एक्सरसाइज क्या है। लेट्स चेक इट आउट। सो इस एक्सरसाइज के लिए हमें चाहिए इस तरीके से दोनों हाथों में वेट्स। अब आप चाहें तो बकेट रख सकते हैं, बाल्टी में पानी भर सकते हैं, डफल बैग में सामान भर सकते हैं, कुछ भी करें, दोनों हाथ इक्वल वेट होना चाहिए। अब इस एक्सरसाइज का नाम है फार्मर वॉक। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपका अपर बैक, ग्लूट्स, आपके बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर्स, चेस्ट, आपके हैमस्ट्रिंग, यानी कि बहुत सारे मसल्स इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहेंगे। कंपाउंड मूवमेंट है, कंपाउंड मल्टीपल मसल्स इन्वॉल्व रहेंगे वेट गेन करने के लिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सो चेक करते हैं कि किस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों पहले वेट रहेंगे, उसके बाद आप शोल्डर को करेंगे रिट्रैक्ट, अच्छे से शोल्डर को रिट्रैक्ट करेंगे, तने हुए होना चाहिए, आपका चेस्ट अप रहेगा। स्लोली स्लोली आपको स्टेप लेने हैं। ध्यान रखिए, बहुत से लोग गलती करते हैं कि अपने जो बैक है उससे नीचे गिरा देते हैं, यानी कि शोल्डर डिट्रैक्ट कर देते हैं, वो नहीं करना है आपको। आपको अपने चेस्ट लॉक करने हैं और जो शोल्डर्स होंगे वो रिट्रैक्ट रहेंगे, बैक टाइट रहेगा। और आपको इसके 4 से 5 राउंड लेने हैं। टेरिस पे लें, हॉल में लें, कहीं पर भी ले सकते हैं। ध्यान रखें, नंबर की बात करूं तो 20 से 25 स्टेप्स आपको लेने हैं। और जैसे ही आपके 20 से 25 स्टेप्स होते हैं, आप तुरंत लेंगे प्लैंक, यानी कि जैसे ही आपके 25 से 30 रैप्स कंप्लीट होते हैं आपको प्लैंक लेना। ये प्लैंक ही वो सेकंड एक्सरसाइज है। 30 से 40 सेकंड आपको प्लैंक लेना है और 30-40 सेकंड के बाद आपको वापस वॉक करनी है। वॉक अगेन हम 25 से 30 स्टेप, जैसे भी आपकी कैपेसिटी है, 50 स्टेप्स ले सकते हैं आप, 60 स्टेप्स ले सकते हैं, जैसी आपकी स्ट्रेंथ है। शोल्डर ध्यान रखना लॉक्ड रहेंगे, चेस्ट अप रहेगा, बैक आ जाएगा। और इसके इसी तरीके से 3 सेट्स लेंगे आप, जिसमें आपको हर सेट में 25 से 30 स्टेप्स लेने हैं और उसके बाद आपको तुरंत प्लैंक लेना है। और प्लैंक भी आप 30 सेकेंड से 1 मिनट तक का ले सकते हैं। आई होप सो आपको अच्छी लगी होंगी दोनों एक्सरसाइजेस। सो इस एक्सरसाइज को आप डेली करें, जिनको वेट गेन करना है। अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे खासे रखें और जैसे बताया मैं आपको, छत पे करें, हॉल में करें। इसके टोटल 100 राउंड्स लें, यानी कि 3 सेट में डिवाइड कर दें और 3 सेट प्लैंक के आपको सुपर सेट में लेने। और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, करके देखिए गाइस। इसी तरीके की वीडियो आपको हम लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि वीडियो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।